बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में एक स्कूल गिर गया। प्राइमरी स्कूल करदहिया नदी में समाया। स्कूल का गिरते हुए वीडियो वायरल हुआ है। लखीमपुर खीरी में भी लगातार बारिश कहर बरपा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें हैं। शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। शारदा नदी में किस तरीके से ये स्कूल समा गया, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। और आप देखते ही देखते देखिए कैसे स्कूल मंदिर सब पानी में समा गए हैं। प्राइमरी स्कूल करदहिया नदी में समाया है ये स्कूल। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने लखीमपुर खीरी की, और कैसे देखते ही देखते जो पूरा स्कूल था वो शारदा नदी में समा है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, कटान हो रहा है, और इसके कारण जो आसपास इलाके में मौजूद बिल्डिंग्स हैं वो नदी में समा जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए प्राइमरी स्कूल लखीमपुर खीरी का, किस तरीके से देखते ही देखते जो पूरा स्कूल था वो पानी में समा गया। और अब जो ये वीडियो है ये भी सामने आया है, एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। बारिश का कहर और कैसे ये कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के प्राइमरी स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर उत्तराखंड के लक्सर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके फंसे लोगों को निकाला है। लक्सर के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार जुटी हुई है। लोगों को किसी भी तरीके से जो प्रभावित इलाके हैं वहां से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एसडीआरएफ के जवान मौके पर लगे हुए हैं, और जो लोग इन इलाकों में फंसे हुए हैं वहां से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बारिश के बाद लक्सर में कैसे हालात पैदा हो गए हैं उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। और इस बीच जो रेस्क्यू टीमें हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ वो लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि कैसे भी करके इन इलाकों से लोगों को बचाया जाए, लोगों को निकाला जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। एसडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें आप देखिए कैसे बोट पर सवार होकर जो टीमें हैं वो निकली हैं और ऐसे इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त लक्सर के हालात ऐसे हैं कि कई जो इलाके हैं वो पानी में डूब चुके हैं। जगह जगह जल भराव की स्थिति देखी जा रही है, और इस जल भराव की स्थिति में जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो डटकर खड़े हैं और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।